किसी भी बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, हमें मार्केट में रह करके काम करना है और अपोजिशन को फेस करना होता है और अपने आप को सेटल डाउन करना होता है। और अगर हमारा एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग हो तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे आगे टिक नहीं पाती है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। वास्तु बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है क्योंकि वास्तु एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे वह आपको मजबूत करता है और आपके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करता है। इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जब विजिट पर गया तो देखा कि इनका जो घर है वह साउथ फेसिंग है और बहुत ही सुंदर विला इनका बना हुआ था। सभी खिड़की दरवाजे साउथ की तरफ खूब ओपनिंग थी। तो ऐसा दोस्तों हम कभी पहले भी आपको बता चुके हैं कि साउथ की जो ओपनिंग्स होती हैं वह बहुत डेंजरस होती हैं, हमारे लिए डिजास्ट्रस होती हैं। नॉर्थ की तरफ से आ रही एनर्जी साउथ में नहीं रुकती है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें लो फीलिंग्स होती हैं और हम बिजनेस में और ओवरऑल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, पैसा भी यहाँ पर नहीं टिकता। तो उपाय क्या करवाए गए, बाहर की तरफ से ऑनिंग्स लगवाई गई। ऑनिंग्स लगाने से जो भी सन की एनर्जीज थी, जो रेडिएशनल सोलर एनर्जी इनके घर में आ रही थी, वह रुक गई। बहुत अच्छे प्लांटेशंस मैंने बोले करने के लिए इन्होंने प्लांट्स लगाए, पाम के पौधे लगाए। उन पाम के पौधों से जो सूर्य की रोशनी थी वह एब्जॉर्ब हो गई और इनके घर में अच्छे तरीके से प्रवेश करने लगे, यानी कि छन छन के आने लगे। साउथ में मैंने कुछ और भी चेंजेस करने को बोले, पूरी एलिवेशन को रेड करने के लिए बोला। इससे साउथ की डायरेक्शन हार्मोनाइज हो जाती है और प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तो उनके लिए यह प्रॉब्लम थी क्योंकि मिरर्स लगे हुए थे, ग्लासेस लगे हुए थे, लेकिन उनको मैंने सलाह दी कि आप रेड कलर के कुछ सैटिन के क्लोथ्स से अपनी बिल्डिंग को डेकोरेट कर सकते हैं, सो डैट रेड कलर से वह हार्मोनाइज हो जाए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो यहाँ पर दिखी कि यह विला टी एंड पर था, यानी कि साउथ के सामने एक लंबी रोड जा रही थी, इसे टी जंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही थी बहुत ही पॉइजनस एरो की तरह काम कर रही थी इनके घर के लिए। इनको बहुत सारे सेटबैक्स मिल रहे थे उन एनर्जीज से। साउथ की तरफ पे जो टी जंक्शन होता है बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बहुत डिजास्ट्रस एनर्जीज पूरे घर को देता है, ऑब्स्टिकल्स लेकर के आता है लाइफ में, कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं बनता है। इसके लिए मैंने दो उपाय करने के लिए बोला। एक तो अशोका के बड़े बड़े पेड़ लाने के लिए बोला कि यह जो डायरेक्शन है छुप जाए सामने जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं उनसे। अशोका के पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन एनर्जीज को और हमें अच्छी एनर्जीज देते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि एक फोकस लाइट लगाई जाए जो कि पूरी बिल्डिंग पर डाली जाए, इससे बिल्डिंग हाईलाइट हो जाती है और बाहर की एनर्जी से उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। वार्म वाइट कलर की यह लाइट लगाई गई, उससे यह डिफेक्ट बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैंने देखा कि साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम बना हुआ है और साउथ वेस्ट तो घर के ओनर का बेडरूम होना चाहिए। इसके अलावा यह प्रॉब्लम और भी यहाँ पे बड़ी थी कि साउथ वेस्ट जो एरिया था वह डाउन था। तो दो चीज़ों को हमने केटर करना था। साउथ वेस्ट अगर डाउन होता है तो डिलेज हमारी लाइफ में आ जाते हैं। कोई बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसकी हमें पेमेंट्स नहीं मिल पाती हैं। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट एरिया होता है, उसे डाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हैवी फर्नीचर रखने को मैंने बोला, डार्क ब्राउन कलर्स करने के लिए यहाँ पे बोला और एक तांबे का स्वस्तिक लगाने के लिए बोला। कुछ यंत्र भी हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि साउथ वेस्ट की एनर्जीज को एनहेंस कर सके। आप यहाँ पे अपनी कपल पिक्चर लगाएं सो डैट जो बेडरूम का पार्ट है जो यहाँ पर आप समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं, नहीं बिता पाते हैं, आपकी पिक्चर आने से आपको फायदा होता है। तो इस पूरी फैमिली को इन सब चेंजेस के बहुत फायदा हुआ, बहुत रिलीफ हुआ। फैमिली एकदम फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड थी, इनके पास फाइनेंसिस की कमी हो रही थी, तो कुछ ना कुछ इन्हें टिप चाहिए थी कि हम फाइनेंसिस को कैसे इम्प्रूव करें। पीली कौड़ी दोस्तों बहुत ही अच्छा वास्तु एलिमेंट मानी जाती है। कौड़ी पुराने ज़माने में करेंसी के रूप में चलती थी, कोई भी किसी भी चीज़ में डील करता था तो कौड़ी के फेवर में उसे वह सामान मिल जाता था। तो पीली कौड़ी का तोरण लगाने के लिए मैंने इन्हें बोला अपने मेन डोर पे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में फाइनेंशियल एनर्जीज अच्छी होती हैं।
इसके बाद मैंने इन्हें बोला कि अगर आपने अपने घर में तिजोरी नहीं बनाई है तो आप तिजोरी जरूर बनाइए। आजकल प्लास्टिक मनी का जमाना है, कोई भी पैसा घर में रखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूएबल्स होते हैं जो हम घर में रखते हैं। तो तिजोरी बनाने से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि हम कुछ अर्न करें, हम अपने घर में वेल्थ को क्रिएट करें, वेल्थ को जनरेट करें। तो तिजोरी साउथ वेस्ट में बनाने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। सब्सक्राइब नाउ फॉर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस बाय डॉक्टर पुनीत चावला।